सिटी वॉच न्यूज के सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हम पहुंचे हैं ऐतिहासिक कटला रामलीला मंदिर, हिसार विधानसभा है, और सावित्री जिंदल जो है वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक जीत के एक पथ के ऊपर जो है अग्रसर होती जा रही है। अगर हम कल की अगर हम बात करें तो शीश महल का जो आयोजन था कि जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो जुड़े, और वहां भी लोगों ने जो कहा कि कहीं ना कहीं अब जो टॉर्च का जो निशान है वो पूरी की पूरी हिसार विधानसभा में अपनी रोशनी बिखेरने पर जुट चुका है। और अगर आप यहाँ का भी अगर आप माहौल देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में जो लोग यहाँ पहुंचे और बादाम की बर्फी के साथ तोलकर जो है सावित्री जिंदल का यहाँ जो स्वागत किया गया है वो भी कहीं ना कहीं देखने लायक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लगातार ये जो कारवां जो बढ़ता जा रहा है इसमें जीत का जो मार्जिन है वो कितना रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें सावित्री जिंदल की तो लोग जिन्हें माता जी के नाम से जानते हैं, और सावित्री जिंदल खुद कहती हैं कि उनका जो पूरे का पूरा जो हिसार विधानसभा क्षेत्र है वो कार्यकर्ता या लोग ना होकर, जनता ना होकर, उनका परिवार है जिनकी एक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। और जैसा लोग भी कहते हैं कि जो 10 सालों से एक अंधेरा जो पूरे हिसार विधानसभा में फैल चुका है अब कहीं ना कहीं टॉर्च की रोशनी के द्वारा ही उससे एक अंधेरे को दूर किया जा सकता है। लोगों से बात करेंगे, सावित्री जिंदल से भी पूछेंगे कि कैसा क्या एक जो माहौल है वो 5 अक्टूबर की वोटिंग दिन वाले दिन को लेकर उनको अब लगना शुरू हो चुका है। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। लेकिन मैं तो आपको एक ही बात कहूँगी, शुरू से यही कहती आ रही हूँ कि चुनाव जो है मेरा हिसार परिवार लड़ रहे हैं, मैं अपने हिसार परिवार की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ। उन्होंने मुझे चुनावी मैदान में उतारा है तो चुनाव उनका है, और आप देख रहे हैं कितना जोश के साथ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सारे एक तरफ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी कल प्रधानमंत्री हिसार में आए थे, भाजपा की रैली थी, तो उनका क्या प्रभाव लगता है, कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए मुझे रैली के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि न तो मैं गई भी नहीं, कहीं नहीं गई, मैं तो अपने हिसार परिवार के साथ अपने चुनावी प्रचार में लगी हुई थी। मेरा चुनावी प्रचार जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही चल रहा था, इससे हमें नहीं पता कि रैली कैसी हुई थी या क्या, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सावित्री जिंदल जी से बातचीत हुई थी कल के कार्यक्रम में, उन्होंने कहा था कि गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल पहले बनाने का जो एक योजना थी उसको दोबारा जो है सिरे चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और जल्दी जल्दी हम शुरू कर देंगे, हमने उसके लिए ज़मीन वगैरह सब देख रखी है, 10,000 गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। मैं तो अपने उसमें कह नहीं रही क्या क्या काम करेंगे, वो तो मैं बाद में बताऊंगी ना, काम तो बहुत सारे मैंने शुरू कर रखे हैं और करूंगी भी, तो सब बाद में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग फिर कह दो कि आपने ये नहीं बनाया वो नहीं किया, तो सारे बन जैसे जैसे बनना शुरू हो जाएंगे बताएंगे, बिल्कुल करके दिखाऊंगी। वादे नहीं है, मतलब करेंगे नहीं, वादे कभी भी झूठे वादे मैं करती नहीं, झूठ मैं बोलती नहीं, जो सच होगा वही करूंगी, नहीं कर पाऊंगी तो हाथ जोड़ दूंगी कि नहीं कर पा रहे हैं।